हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज मैं फिर से एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ, तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। ये है कच्ची हल्दी। हल्दी का यूज़ हमारे घर में डेली होता है, तो ये है कच्ची हल्दी। इसकी आज हम बनाने वाले हैं सब्जी, तो जो बहुत ही हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सब्जी बनाने के लिए पहले हम हल्दी को अच्छे से छील लेंगे। इसके छिलके ज़्यादा मोटे नहीं होते, तो हम इसको हल्के हाथ से आराम से इसको छील सकते हैं, तो ईज़िली छिल भी जाएगा। यहाँ पे हल्दी अच्छे से छिल गई है और अब हम इसको अच्छे से पानी से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद अब हम इस करेंगे इसको कद्दूकस। यहाँ पे हम एक प्लेट ले लेंगे, उसके ऊपर हम कद्दूकस रखेंगे और अब हम इसको कद्दूकस कर लेंगे। बारीक तरफ से करेंगे, जैसे हम गाजर के हलवे के लिए करते हैं। यहाँ पे हल्दी अच्छे से कद्दूकस हो गई है और अब हम इसको कर देंगे साइड। यहाँ पे ले लेंगे हम प्याज। हम 2 से 3 प्याज लेंगे, जिसको हम बारीक कट कर देंगे और यहाँ पे ले लेंगे हम एक गांठ लहसुन, इसको भी हम छील लेंगे। यहाँ पे लहसुन छीलने के बाद हम इसको बारीक कूट लेंगे, कट नहीं करेंगे। कूटने से क्या है कि लहसुन का थोड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है, तो हम इसको कट नहीं करेंगे, हम इसको बारीक करके कूट देंगे। यहाँ पे मैंने 2 से 3 हरी मिर्च भी कट कर दी हैं। अब हम यहाँ पे लेंगे दही। दही 1 कटोरी से थोड़ा सा कम। तो यहाँ पे दही लेने के बाद हम इसमें मसाले मिक्स करेंगे। हम इसमें डालेंगे नमक और धनिया, लाल मिर्च पाउडर और फिर हम इसको हिलाएंगे और इसका जो मसाला है उसको दही के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने हल्दी भी मिलाई है। ऐसा नहीं है कि मतलब हल्दी की सब्ज़ी बन रही है तो मैं हल्दी नहीं मिलाऊंगी, हल्दी भी हमने मिलाई है। यहाँ पे डालेंगे हम गरम मसाला। यहाँ पे हम गैस को कर लेंगे ऑन और यहाँ पे कढ़ाई में डाल देंगे हम घी। घी को होने देंगे हम गरम। तो यहाँ पे जो घी है वो गरम हो गया है और यहाँ पे फिर हम डाल देंगे हल्दी। जिस तरीके से हम गाजर के हलवे में गाजर को कद्दूकस करके फ्राई करते हैं घी में, उसी तरीके से हम हल्दी को भी इसी तरीके से फ्राई करेंगे। और थोड़ी देर मतलब आप 10 या 15 मिनट तक हम इसको फ्राई करते रहेंगे। इसको छोड़िएगा नहीं, नहीं तो ये बर्तन में चिपकने लगेगा। तो हम इसको ऐसी फ्राई करते रहेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी हद तक जो हल्दी है वो फ्राई हो गई है और उसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो अब हम इसको निकाल देंगे किसी अलग बर्तन में और फिर हम उसी कढ़ाई में, हम दूसरी कढ़ाई नहीं लेंगे, उसी कढ़ाई में हम डाल देंगे और घी। तो फिर हम दोबारा से घी को थोड़ा सा, और वैसे तो बर्तन गर्म है तो वो जल्दी से गल जाएगा, तो थोड़ा सा गर्म होने देंगे। हम यहाँ पे उसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। उसके बाद हम डालेंगे उसमें जीरा। जीरे को हम अच्छे से तड़कने देंगे, तभी उसकी स्मेल आती है।
तो यहाँ पे हम तड़कने देंगे जीरा। जब जीरा हमारा तड़क जाएगा उसके बाद हम डाल देंगे इसमें प्याज और जो हमने लहसुन को कूटा हुआ है, कुटी हुई लहसुन हम इसमें डाल देंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे डालेंगे हम कटी हुई हरी मिर्च और यहाँ पे काफ़ी हद तक जो हमारे प्याज लहसुन है वो पक गया है, मतलब फ्राई हो गया है। तो यहाँ पे देखिए पहले जो मैंने हल्दी फ्राई करी थी वो थोड़ी सी लग गई थी तो वो थोड़ा सा जल गया है, बट इट्स ओके। तो यहाँ पे देखिए ये प्याज और लहसुन हमारा फ्राई हो गया है और यहाँ पे हमने डाल दी है दही जिसमें हमने मसाले मिक्स किए थे, और उस दही को हमें हिलाते रहना है। अगर हम दही को छोड़ देंगे तो वो फट जाएगा, इसीलिए उसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है और अच्छे से फ्राई करेंगे, अच्छे से हिलाते रहेंगे। और इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा क्योंकि ठंडियों का टाइम है और अभी हल्दी क्या होती है, गर्म होती है, तो हमें ज़रूर खानी चाहिए। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इसी तरीके से हम इसको हिलाते रहेंगे ताकि दही जो है हमारी वो फटे ना। और आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा पानी भी मिला सकते हैं। और अब यहाँ पे जो दही है वो प्याज और लहसुन के साथ अच्छे से मिक्स हो गई है और अब हम यहाँ पे डाल देंगे एक कटा हुआ टमाटर। टमाटर को अब हम इसके साथ मिक्स करेंगे और इसको थोड़ी देर ढक्कन लगा के हम इसको पकने देंगे। तो यहाँ पे देखिए मसाला जो हमारा पक चुका है और अब हम डाल देंगे इसमें मटर, और ये मैंने हरे मटर लिए हैं और यहाँ पे डाल दिए हैं हमने भुनी हुई जो हमने फ्राई करी थी हमारी हल्दी, तो उसको भी हम इसके साथ ही डाल देंगे और इनको अच्छे से करेंगे मिक्स। और अब हम डाल देंगे इसमें पानी क्योंकि हमें इसमें ग्रेवी करनी है, तो इसमें पानी डाल देंगे। और क्या है कि जो हमारे मटर हैं वो हरे हैं तो उनको भी थोड़ा पकने देंगे। और पानी डालने के बाद अब हम इसको 15 मिनट हम इसको पकने देंगे। उसके बाद क्या है कि जो हमारे मटर है वो भी पक जाएंगे और ग्रेवी अच्छे से गाढ़ी भी हो जाएगी। तो इसको ढक्कन लगा के 15 मिनट हम पकने देंगे। और यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं और सब्जी हमारी अच्छे से पक गई है और ग्रेवी भी हमारी गाढ़ी हो गई है। यहाँ पे हम हरा धनिया डाल के इसको गर्मा गर्म खाएंगे और रोटी के साथ बहुत टेस्टी होगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।